तीन मार्च से गैरसैंण में कम समय के लिए आयोजित बजट सत्र का कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मामले में कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि अन्य राज्यों में बजट सत्र काफी लंबा चलाया जाता है जिसमें राज्य के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा होती है, इसलिए उत्तराखंड सरकार को भी बजट सत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि समय बढ़ाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निर्णय लेती है जिसमें उनके अलावा कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ विधायक भी इसके सदस्य हैं, जिस पर चर्चा देहरादून में की जाएगी और बजट सत्र को बढ़ाने को लेकर बात की जाएगी। प्रस्तावित है कोई भी सत्र की तारीखें बिना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के नहीं चलती है। उसमें हम तीन मेंबर हैं, एक मैं, एक प्रवर सिंह जी, एक अनुराग जी। जब बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति कार्य को तय करने वाली समिति होती है, जब हम इसे तय करेंगे तब सदन का सत्र बढ़ा जाएगा, स्वाभाविक रूप से ये सत्र बढ़ेगा। और आपने देखा अखबारों में, इन्होंने भी स्वीकार कर लिया बढ़ा गया।